नेशनल सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर को लगाया हुआ है, अजीत डोवल, जिन्हें कई लोग हिंदुस्तान का 007 भी कहते हैं। डोवल इन दिनों एक स्पेशल मिशन पर हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को बम, गोला बारूद, तोप और टैंक वाले युद्ध की फिक्र नहीं है। डोवल भविष्य में होने वाले वॉर की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आने वाले समय में युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और डोवल की डॉक्ट्रिन से भारत वो युद्ध कैसे जीतेगा, इस पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा होगा 21वीं सदी का युद्ध। तोप से गोले नहीं चलेंगे, जंग के मैदान में सैनिक नहीं उतरेंगे, बंदूकों और फाइटर प्लेन की भी जरूरत शायद ना रह जाए। भविष्य की जंग का रंग रूप बिल्कुल बदल जाने वाला है। मशीनें युद्ध लड़ेंगी, वायरस और बैक्टीरिया हथियार बनेंगे, बीमारी फैलाने वाले जीव किस कदर खतरनाक हो सकते हैं, कितनी तबाही ला सकते हैं, इसका एहसास नए कोरोना वायरस ने पूरी मानवता को करा दिया है। पुणे के एक थिंक टैंक के प्रोग्राम में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने बताया कि फ्यूचर ऑफ वॉर कैसा है। वॉर्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग कॉस्ट इनएफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अचीविंग नेशंस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। दे आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट कंटेंपरेरी स्ट्रेटजीज डिस्क्राइब एज वॉर बाय अदर मींस। प्रोबेबली टुडे It needs to be expanded to include threats through other sources. इंसान ने अपने अस्तित्व के हजारों साल के दौरान जंग के अलग अलग रूप देखे हैं। आदि मानवों के झुंड पत्थरों और लाठी डंडों से युद्ध लड़ते थे। उसके बाद दौर तीर धनुष, भालों गदा, घोड़सवारों की जंग और हथियारों की टक्कर के दौर तक आई। बारूद के आविष्कार ने युद्ध का स्वरूप ही बदल डाला। इंसान ने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए नए नए हथियार इजाद किए। एक से एक फाइटर प्लेन, मिसाइलें, तोपे और एटम बम बना लिए। मगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल युद्ध बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए अब दुनिया के बहुत से देश लो कॉस्ट वॉर वाली ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। Security doctrines of fourth generation warfare are also people centric rather than territory centric. The new form of warfare estimates that targeting the civil society and the people is a low cost and sustainable option to bleed the adversary. The COVID pandemic and devastating natural disasters have the potential to impact on collective psyche of the people, their economic well-being, and instill fears about their survival. It generates social imbalances that can threaten political stability, economic growth, and even the capacity of a nation to resolutely meet its external and internal threats. So, missile. टैंक, फाइटर प्लेन और जंगी युद्ध पोतों की बजाय सस्ते संसाधनों वाले युद्ध की अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है, इसे ऐसे समझिए। पारंपरिक युद्ध में हथियारों और सेना पर बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहीं नए दौर के हथियारों से बहुत कम खर्च में दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हथियारों और सैनिकों की ट्रेनिंग का खर्च बच जाता है। कम लागत वाले संसाधन दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चीन हो या पाकिस्तान, ये दोनों ही भारत के खिलाफ आज डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की बजाय कम खर्चे वाले युद्ध पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान तो पिछले 3 दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद की शक्ल में प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए है।
अब उसने भारत के खिलाफ ड्रोन जैसे ऑटोनोमस हथियार भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। वहीं चीन से पूरी दुनिया में फैली कोरोना की महामारी ने दुनिया को एहसास कराया है कि बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु या वायरस कितने घातक बायोलॉजिकल वेपन साबित हो सकते हैं। दिस न्यू जेनर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स प्रेजेंट द स्टेट्स विद अ मल्टी लेयर्ड डायलेमा ऑन अ मैसिव स्केल। At the micro level, saving individual lives, providing medical care and support to people, ensuring supplies of food and essential commodities, maintaining law and order are just few amongst many. At the macro level, the problems include finding effective preventive and curative medicines and administering these to combat the ever-evolving new strains of viruses and ensuring smooth supply chains. A key challenge is working out strategies for growth in this environment that are sustainable and avoids environmental degradation. अजीत डोवल जिन गैर पारंपरिक हथियारों का जिक्र कर रहे हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। इनमें बीमारियां फैलाने वाले जीव भी शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऑटोनोमस सिस्टम ड्रोन सिस्टम है, जिन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो किसी खास अहम ठिकाने को टारगेट करके लॉन्च किए जाते हैं। लॉन्च होने के बाद ये ड्रोन अपने आप ठिकाने पर पहुंचते हैं और टारगेट पर हमले का सही समय आने का इंतजार करते हैं। ये कामिकाजे या आत्मघाती ड्रोन कितने घातक हो सकते हैं, इसकी मिसाल हम पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए युद्ध में देख चुके हैं, जब इजराइल और तुर्की से मिले ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया को शिकस्त दी थी। इसके बाद से ऑटोनोमस और कम खर्च वाले हथियारों में पूरी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। बिना युद्ध किए दुश्मन को लहूलुहान करने का ये बेहद घातक हथियार बन गए। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं, देश की जनता की सेहत, उसकी भलाई और तरक्की भी शामिल है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने बताया कि अगर कोई दुश्मन किसी वायरस या बैक्टीरिया को हथियार बनाता है तो कैसी कैसी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, जो देश की तरक्की और उसकी सिक्योरिटी के चैलेंज बढ़ा देती है, देश की इकोनॉमी पर बोझ बढ़ा देती है। अजीत डोवल कहते हैं कि हिंदुस्तान को इस नए जमाने की जंग के लिए तैयार रहना होगा। COVID-19 has brought science, data and economic security to the center of national security planning. Decisions about maintaining strategic national stockpiles, ensuring the availability and smooth supply of critical equipment and materials, and fortifying early alert frameworks have all become important elements of national security planning. The pandemic has further reinforced the need to predict threats, while biological research has legitimate scientific purposes, its dual use applications can be misused. The deliberate weaponization of dangerous pathogens is a serious concern. This has heightened the need to build comprehensive national capabilities in biodefense, biosafety and biosecurity. अजीत डोवल कहते हैं कि पहले के युद्ध सेनाओं के बीच लड़े जाते थे, लेकिन पिछले चार दशकों में आतंकवाद के खतरे ने दिखाया है कि जंग के दायरे में सिविलियंस भी आ चुके हैं। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इसके अलावा चीन से होने वाले साइबर हमले के निशाने पर बिजली सप्लाई जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले साल मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नेटवर्क पर चीन से हुआ साइबर हमला इसकी मिसाल बना था। Well, friends, the new areas of warfare have shifted from merely territorial frontiers to the civil society. The common people, their thinking, their perceptions, their health, their sense of well-being, their perception of their own governments have assumed
new importance. This also includes their physical well-being and sense of physical safety and security. Cumulatively, all these elements impact on the will of the nation, which is a vital force of a nation's strength. When the civil society gets degraded, their faith in the government and its institutions get eroded, then there is always an internal turmoil. इसीलिए अजीत डोवल कहते हैं कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी की प्लानिंग को भी नई चुनौतियों के हिसाब से ढाला जा रहा है. सिक्योरिटी की प्लानिंग अब और पेचीदा हो गई है. Protecting people from false and motivated propaganda also becomes absolutely necessary in this age of information revolution. National security planning needs to factor in all these challenges as also strategies to get maximum international cooperation. अजीत डोवल कितनी दूर की सोचते हैं इसका अंदाजा आपको तब होता है जब आप पाकिस्तान में डोवल डोवल सुनते हैं. अजीत डोवल ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही अनकन्वेंशनल और लो कॉस्ट वॉर की बात कही थी और भारत को इसके लिए तैयार रहने को कहा था, मगर डोवल का तीर सीधे निशाने पर लगा. पाकिस्तान को डोवल के इस बयान से बड़ी मिर्ची लगी. आप पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ का बयान सुनेंगे तो खुद ब खुद इसका एहसास हो जाएगा. Was we always talk about others having lobbies against us, which is absolutely true. Indians spend more time undermining Pakistan than perhaps looking after themselves. I have seen this, I have witnessed this, I felt it, I have been a victim of it, frankly. And narratives always have to reflect reality. Here is the difference, and I'm going to be candid, between how we approach narratives and how some other countries, specifically I have in mind our eastern neighbor, has approached narrative building. Our model is to project our rightful reality to the world. Their model is to create a whole global network of fake news to malign others. And Pakistan, of course, being the principal target, we've seen in the EU Disinfo Lab report last year. पाकिस्तानी फौज और प्रधानमंत्री इमरान खान के चहेते मोईद यूसुफ का यह स्टेटमेंट अजीत डोवल की स्पीच के कुछ ही देर बाद आया था, जिसमें पाकिस्तान के एनएसए भारत पर पाकिस्तान की इमेज खराब करने का इल्जाम लगा रहे हैं. वैसे पाकिस्तान में डोवल के खौफ की ये कोई पहली मिसाल नहीं है. अभी 2 महीने पहले की बात है, जब तालिबान ने अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा किया था, तब पाकिस्तान के कई चैनल पर अजीत डोवल के साल 2013 में दिए गए बयान को खूब दिखाया जा रहा था. डोवल ने कहा था कि अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी तालिबान के आगे टिक नहीं सके. डोवल की 8 साल पुरानी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी. 20 मिनट का खिताब था उनका, वो अगेन मैंने सुना है, वही मैंने कहा कि आप कह सकते क्लिप तो पुराना है लेकिन वो आज के दौर में, आज के हालात में जब हम बात कर रहे हैं, बड़ा रेलिवेंट है. और बंदा हैरान होता है कि उस वक्त जो बाज़ वो चीज़ें कही जा रही थी, उनका 7-8 साल बाद एग्जैक्टली कैसी चीज़ें उसमें आके बयान हुई हैं. मेन जो फोकस था अजीत डोवल साहब का, वो उनका अफगानिस्तान था. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया या रीजनल पावर्स और अमेरिका और एक उसका फ्यूचर सिनेरियो वो डिवेल्प कर रहे थे और उसका मुख्तलिफ अजम्पशन पे बात कर रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलां हो सकता है. वेरी इंतहाई आप कह सकते हैं कि बड़ा एक उनका अहम उनका लेक्चर था 20-22 मिनट का. अजीत डोवल ने पाकिस्तान में काफी वक्त बिताया है, वो उसकी नस नस से वाकिफ हैं. इसलिए जब से डोवल ने नेशनल सिक्योरिटी का जिम्मा संभाला है, तब से ही पाकिस्तान में उनकी ऑफेंसिव डिफेंस वाली नीति का खौफ चल रहा है. अजीत डोवल जी 6 साल पाकिस्तान में कोवर्ट अपॉइंटमेंट में रहा इनके सफारतखाने में. अच्छा, अब ये ऑपरेशनल आदमी है, बेसिकली सारी उम्र इंटेलिजेंस का टेक्टिकल ऑपरेटर है और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा. राइज किया उसने अपनी आईबी के अंदर और अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा. भारतीय मुशीर बराए कौमी सलाम थी. एब्सोल्युटली. अच्छा, उसकी पॉलिसी क्या है, वो सोच क्या रखता है, ये आजकल यूट्यूब पे और वीडियो पे ये सारा पैगाम चल रहा है, उसकी तकरीर है जो किसी वो थिंक टैंक के अंदर बता रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह संभालना चाहिए. वो कहता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पर वो नाम देता है, कहते हैं डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हम हमारा दुश्मन जिसको हम फेस कर रहे हैं, इसको अकल के साथ, फहम के साथ, समझ के साथ, हम ये अंधे नहीं हो सकते इस सारे मामले में। तो अजीत डोभाल का नाम बहुत दफा भारतीयों के सामने लिया गया है और उसको एग्जाम्पल बना के बताया गया है कि ये है जिस किस्म की सोच आप पाकिस्तान के बारे में रखते हैं। पाकिस्तान को लेकर डोभाल भी इसी ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर चलते हुए ही भारत ने उरी और पुलवामा टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर एयर स्ट्राइक। डोभाल ने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग को नई धार दी है। अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा की योजना में फ्यूचर के लो कॉस्ट वॉर के हिसाब से बदलाव ला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान से सस्ता युद्ध लड़ने की नीति को उसके लिए महंगा साबित किया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान में डोभाल का जबरदस्त खौफ बना हुआ है। जो अजीत डोभाल साहब हैं, जो कि भारत के 007 हैं एजेंट, क्योंकि उन्होंने बड़ी आपको बताया वीडियो जो, तो वो जो है अब आके, अब एक मैप है, आपने उसके ऊपर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ना सिर्फ विदड्रॉ किया, जब पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब बात कर रहे थे उस वक्त जो है वो, बल्कि जब रशियन जो होस्ट कंट्री है उसको वॉकआउट किया उन्होंने, उस पर भी वॉकआउट किया। पाकिस्तान में अजीत डोभाल के इसी टेरर के चलते अनकन्वेंशनल वॉर और सस्ते युद्ध को लेकर दिए गए उनके बयान की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि अजीत डोभाल का ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन को भी एक बड़ा मैसेज है। बॉर्डर पर टेंशन के बीच भारत को चीन से भी सावधान रहने की जरूरत है। चीन अनकन्वेंशनल और लो कॉस्ट वॉर का एक रूप साइबर अटैक का उस्ताद रहा है। चीन से भारत को दो तरह के बड़े खतरे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस गैर पारंपरिक हथियार जैसे कि स्वाम ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन, और चीन की हैकर आर्मी जिसके साइबर हमले भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उत्तर कोरिया जैसे चीन के क्लाइंट देश भी भारत को टारगेट कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल हमने 2019 में तब देखी थी जब नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने भारत के कोडनकुलम एटमी प्लांट पर साइबर अटैक किया था। न्यूक्लियर सीक्रेट चोरी होने से ना सिर्फ इंडिया को नुकसान होगा बल्कि इससे बाकी दुनिया के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। भारत को तो इससे भारी आर्थिक और सिक्योरिटी का नुकसान होता, इसलिए अजीत डोभाल ने वार्निंग दे दी है। अब हमें फ्यूचर के लो कॉस्ट वॉर के लिए खुद को हमेशा रेडी और अलर्ट रखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।